अगर आप इंटर 2022 में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड ने जो है परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि जारी कर दी है और ये ऑफिशियल रूप से जारी किया गया है। ये जो देख रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन लिस्ट, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये देखिए बहुत लंबा है। अगर इसमें से आप लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो इसलिए हम क्या किए हैं, इनका जो मेन कंटेंट है जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, उनका हम एक छोटा सा PDF तैयार किए हैं और चलिए वहाँ पर हम जो है बहुत कम समय में आप लोगों को सारी जानकारी देंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए उसी का कंटेंट उठा करके हम यहाँ पर लिखे हैं BSEB पटना 12th इंटर के परीक्षा 2022 में देने वाले छात्र छात्रा जो 8/8/2021 तक रजिस्ट्रेशन भर दिए हैं उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। अब सभी छात्र छात्रा अपना रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका त्रुटि था उसका भी सुधार करके अपलोड कर दिया गया है। और ये कहाँ पर अपलोड किया गया है, ये वेबसाइट का नाम हम बता देते हैं। इनका जो नाम है inter22.biharboardonline.com, आई रिपीट inter22.biharboardonline.com, इस पर अपलोड किया गया है। ये हम सभी यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड कॉलेज और प्लस टू विद्यालय के पास ही है, यानी कि उसके प्रिंसिपल के पास है, तो वही डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग कॉलेज या प्लस टू विद्यालय जा कर के ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, 12th इंटर के परीक्षा 2022 में देने वाले छात्रों का परीक्षा फॉर्म आज यानी कि 14/8/2021 से 24/8/2021 तक भरा जाएगा। 14/8/2021 से 24/8/2021, ये बीच जो है इस बीच में आप लोगों को अपने अपने प्लस टू विद्यालय या कॉलेज जा कर के परीक्षा फॉर्म भर देना है। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा फॉर्म शुल्क, तो किसको कितना शुल्क लगेगा उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखिए नियमित या स्वतंत्र पूर्ववर्ती छात्रों के लिए 1400 रुपये। अब नियमित मतलब रेगुलर, स्वतंत्र मतलब प्राइवेट, इन सभी छात्रों को जो है 1400 रुपये लगेंगे। और यहाँ पर देखिए समुन्नत, समुन्नत का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो 2021 में एग्ज़ाम दिए हैं और पास कर गए हैं लेकिन वो अपने मार्क से खुश नहीं है और 2022 में भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों को 1740 रुपये पे करना होगा। अब यहाँ पर आ जाइए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नियमित कोटि के छात्रों के लिए 1800 रुपये लगेंगे, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के समुन्नत कोटि के छात्रों के लिए 2140 रुपये लगेंगे, यानी कि ये 340 रुपया जो है समुन्नत कोटि के छात्रों को इसलिए लग रहा है कि उन्हें अनुमति लेना पड़ रहा है, तो अनुमति शुल्क जो है ये 340 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पूर्ववर्ती अनुत्तीर्ण कोटि के छात्रों के लिए 1460 रुपये लगेंगे, जो फेल कर चुके हैं पूर्व में तो उनको जाए 1460 रुपये ही लगेंगे। और यहाँ पर देखिए पूर्ववर्ती अनुत्तीर्ण IA, IComया ISC साइंस आर्ट कॉमर्स के छात्रों के लिए 1060 रुपये लगेंगे, जो पूर्व में फेल किए हैं। जो छात्र छात्रा कंपार्टमेंटल के रूप में वार्षिक परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं ऐसे छात्रों के लिए 930 रुपये लगेंगे, यानी कि जो कंपार्टमेंटल के रूप में इस एग्ज़ाम में एनुअल एग्ज़ाम में हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो उनको 930 रुपया ही पे करना होगा, लेकिन उसका कंडीशन ये होगा कि वो दो विषयों के लिए ही फॉर्म भरेंगे, दो विषयों के लिए ही फॉर्म भरेंगे, चाहे आप अतिरिक्त विषय में कर रहे हैं या मेन विषय में कर रहे हैं, तो दो विषय ही आपको करना होगा। और अगर आप हिंदी इंग्लिश
जैसे पहले क्या था, 50 का हिंदी 50 का इंग्लिश, आप 50 का हिंदी जो दिए हैं उसके मार्क से संतुष्ट नहीं है तो आपको दोनों एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि NRV प्लस MB, हिंदी और इंग्लिश दोनों का एग्ज़ाम आपको देना होगा। और आपको जो है परीक्षा फॉर्म भी जो लगेगा वो 930 रुपया लगेगा। तो ये था पूरा न्यूज, उम्मीद तो आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है इसलिए इससे हम नहीं बताएं, और इसका शॉर्ट जो है हम PDF बना लिए थे उससे आप लोगों को बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।